हे गाइस, इस वीडियो में आपको प्रो कबड्डी के ऑल सीजन के बेस्ट रेडर बताने वाला हूँ। सीजन 1 से लेके सीजन 9 तक हर एक सीजन में कौन सा रेडर को बेस्ट रेडर का अवार्ड दिया गया है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे जिसको सबसे ज्यादा रेड पॉइंट्स मिले उन्हीं को बेस्ट रेडर का अवार्ड मिलता होगा, लेकिन ऐसा प्रो कबड्डी में नहीं है। कुछ बार ऐसा हुआ है कि जो सेकेंड एंड थर्ड पोजिशन पे जो मतलब कि मोस्ट रेड पॉइंट्स के रैंक पे है उनको भी यहाँ पे बेस्ट रेडर का अवार्ड दिया गया है। एंड इस वीडियो में आपको सभी सीजन के बेस्ट रेडर के अवार्ड के बारे में जानने को मिल जाएगा। एंड इससे पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसे ही आपको प्रो कबड्डी के वीडियोस इस चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। एनीवेज आते हैं मेन टॉपिक पे, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीजन 1 से। तो प्रो कबड्डी सीजन 1 में बेस्ट रेडर का अवार्ड राहुल चौधरी को दिया गया था। अब स्टेट्स देखा जाए तो राहुल चौधरी नंबर 2 पे थे सबसे ज्यादा रेड पॉइंट्स के मामले में। 14 मैचेस में 151 रेड पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया था। एंड नंबर 1 पे अनूप कुमार थे जिनके पास 155 रेड पॉइंट्स था, लेकिन तभी भी जो बेस्ट रेडर का अवार्ड था वो यहाँ पे राहुल चौधरी को दिया गया है। अब इसका रीजन ये हो सकता है कि राहुल चौधरी का जो एवरेज था वो यहाँ पे ज़्यादा था, बिकॉज राहुल चौधरी ने 14 मैचेस में 151 रेड पॉइंट स्कोर किया एंड वहीं पे अनूप कुमार ने 155 रेड पॉइंट 16 मैचेस में स्कोर किए, तो उस हिसाब से राहुल चौधरी का जो रेड पॉइंट्स पर मैच का एवरेज है वो यहाँ पे ज़्यादा होता है। इसके कारण इनको बेस्ट रेडर का अवार्ड दिया गया है। एंड इस सीजन के जो MVP थे वो यहाँ पे अनूप कुमार थे। अब यहाँ पे बढ़ते हैं सीजन 2 की तरफ। तो यहाँ पे प्रो कबड्डी सीजन 2 में बेस्ट रेडर का अवार्ड कासलिंग अडके को मिला है। कासलिंग अडके बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे सीजन 2 में, दबंग दिल्ली की टीम की तरफ से खेल रहे थे। 14 मैचेस में इन्होंने 114 रेड पॉइंट स्कोर किया है एंड इसी के कारण यहाँ पे इनको बेस्ट रेडर का अवार्ड दिया गया। सबसे ज्यादा रेड पॉइंट सीजन 2 में इन्होंने स्कोर किया था, यानी कि सीजन 2 में सिर्फ यही एकमात्र रेडर थे जो यहाँ पे 100 रेड पॉइंट्स क्रॉस किए थे। नंबर 2 पे राहुल चौधरी थे 98 रेड पॉइंट्स के साथ, नंबर 3 पे अजय ठाकुर थे 79 रेड पॉइंट्स के साथ। एंड सीजन 2 के जो MVP थे वो यहाँ पे मंजीत चिलर थे, यानी कि सीजन 2 में जो रेडर्स थे उनका दबदबा ज़्यादा नहीं था। अब यहाँ पे बढ़ते हैं सीजन 3 की तरफ। तो यहाँ पे प्रो कबड्डी सीजन 3 में बेस्ट रेडर का अवार्ड ऋषंग देवाधिका को मिला है। अब ऋषंग देवाधिका तो टॉप रेडर नहीं थे रेड पॉइंट्स के मामले में, नंबर 2 पे थे। 16 मैचेस में 106 रेड पॉइंट्स उन्होंने स्कोर किया एंड तभी भी इनको यहाँ पे बेस्ट रेडर का अवार्ड मिल गया। नंबर 1 पे प्रदीप नरवाल थे जो यहाँ पे 16 मैचेस में 116 रेड पॉइंट स्कोर किए थे। अब एवरेज तो प्रदीप नरवाल का ज़्यादा है, लेकिन तभी भी प्रदीप नरवाल को कोई सा भी अवार्ड नहीं मिला, ना ही MVP मिला, ना ही यहाँ पे बेस्ट रेडर मिला, यानी कि एमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिला था, लेकिन जो बेस्ट रेडर या फिर MVP में से कोई एक इनको मिलना चाहिए था। एंड सीजन 3 के MVP रोहित कुमार थे एंड बेस्ट रेडर का अवार्ड ऋषंग देवाधिका को मिला है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं सीजन 4 की तरफ। तो यहाँ पे प्रो कबड्डी सीजन 4 में बेस्ट रेडर का अवार्ड राहुल चौधरी को मिला है। राहुल चौधरी ने 16 मैचेस में 146 रेड पॉइंट स्कोर किया था एंड टॉप रेडर भी थे रेड पॉइंट्स के मामले में, इसी कारण इनको बेस्ट रेडर का अवार्ड दिया गया। एंड इस सीजन में फाइनली MVP प्रदीप नरवाल को मिला। प्रदीप नरवाल नंबर 2 पे थे, 16 मैचेस में 131 रेड पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया था एंड वो सीजन पटना पायरेट्स जीती थी जयपुर पिंक पैंथर्स को हरा के, तो इसी कारण यहाँ पे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का जो अवार्ड था वो यहाँ पे प्रदीप नरवाल को मिला है। बढ़ते हैं सीजन 5 की तरफ। यहाँ पे प्रो कबड्डी सीजन 5 में बेस्ट रेडर का अवार्ड प्रदीप नरवाल को दिया गया। फाइनली जो बेस्ट रेडर का टाइटल है वो यहाँ पे प्रदीप नरवाल को सीजन 5 में मिल चुका है एंड प्रदीप नरवाल ने 26 मैचेस में 369 रेड पॉइंट स्कोर किया। अभी आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट 16 से 26 मैचेस कैसे हो गए, बिकॉज सीजन 5 में जो फॉर्मेट था प्रो कबड्डी का वो यहाँ पे चेंज हो गया था, 4 नई टीम्स और इंक्लूड हुई थी एंड जोन टाइप का सिस्टम था जिसमें हर एक टीम 22 मैचेस खेलती थी। आपको पता है अगर आप प्रो कबड्डी पहले से देखते हो, एंड उसमें प्रदीप नरवाल ने 369 रेड पॉइंट स्कोर किया एंड उस सीजन में पटना पायरेट्स चैंपियन भी बनी थी एंड बेस्ट रेडर के साथ ही साथ MVP भी प्रदीप नरवाली को दिया गया था। एंड अगर आप यहां पे डिफरेंस की बात की जाए तो नंबर 2 पे रोहित कुमार थे एंड रोहित कुमार ने 22 मैचेस में 219 रेड पॉइंट स्कोर किया, यानी कि 100 से ज़्यादा रेड पॉइंट्स का डिफरेंस था। एंड उस सीजन में प्रदीप नरवाल अपने पीक पे थे एंड क्या ही परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। बढ़ते सीजन 6 की तरफ। यहाँ पे प्रो कबड्डी सीजन 6 में जो बेस्ट रेडर का अवार्ड था वो यहाँ पे
प्रदीप नरवाल को फिर से मिला है। इस बार प्रदीप नरवाल टॉप रेडर नहीं थे, 21 मैचेस में 233 रेड पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया था। नंबर एक पे पवन कुमार सहरावत है जो यहाँ पे 24 मैचेस में 271 रेड पॉइंट स्कोर किया, लेकिन तभी भी यहाँ पे प्रदीप नरवाल को बेस्ट रेडर का अवार्ड दिया गया। अब मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसा हुआ है, लेकिन पवन कुमार सहरावत को MVP मिला है, ये अच्छी बात है। एंड यहाँ पे MVP का ज्यादा पैसा मिलता है, इसी कारण पवन कुमार सहरावत को MVP का अवार्ड मिला एंड जो बेस्ट रेडर का अवार्ड था वो यहाँ पे प्रदीप नरवाल को दिया गया। अब यहाँ पे बढ़ते हैं सीजन 7 की तरफ। यहाँ पे प्रो कबड्डी सीजन 7 में जो बेस्ट रेडर का अवार्ड था वो यहाँ पे पवन कुमार सहरावत को मिला है। पवन कुमार सहरावत सीजन 7 में टॉप रेडर भी थे, 24 मैचेस में 346 रेड पॉइंट स्कोर किया था। नंबर दो पे प्रदीप नरवाल थे, 22 मैचेस में 302 रेड पॉइंट स्कोर किया था, लेकिन जो MVP का अवार्ड था वो यहाँ पे प्रदीप नरवाल को नहीं दिया गया, नवीन कुमार को मिला। एंड रीजन भी हो सकता है कि नवीन कुमार अपना बहुत ही टफ सीजन खेल रहे थे एंड साथ ही साथ यहाँ पे टीम को फाइनल तक ले गए, जरूर चैंपियन नहीं बनी, इसी कारण यहाँ पे नवीन कुमार को MVP का अवार्ड मिला एंड जो बेस्ट रेडर का अवार्ड था वो यहाँ पे पवन कुमार सहरावत को दिया गया। अब यहाँ पे बढ़ते हैं सीजन 8 की तरफ। यहाँ पे प्रो कबड्डी सीजन 8 में बेस्ट रेडर का अवार्ड पवन कुमार सहरावत को मिला है। पवन कुमार सहरावत को फिर से बेस्ट रेडर का अवार्ड दिया गया जहाँ पे इन्होंने 24 मैचेस में 304 रेड पॉइंट स्कोर किया। नंबर दो पे अर्जुन देशपाल थे जिनके पास 267 रेड पॉइंट्स थे एंड ज्यादा रेड पॉइंट्स होने के कारण यहाँ पे जो बेस्ट रेडर का अवार्ड था वो यहाँ पे पवन कुमार सहरावत को मिल गया एंड सीजन 8 में जो MVP का अवार्ड था वो यहाँ पे फिर से नवीन कुमार को दिया गया। अब यहाँ पे बढ़ते हैं प्रो कबड्डी सीजन 9 की तरफ। यहाँ पे प्रो कबड्डी सीजन 9 में बेस्ट रेडर का अवार्ड भरत हुड्डा को दिया गया। भरत हुड्डा टॉप रेडर नहीं थे, नंबर दो पे थे, 23 मैचेस में 279 रेड पॉइंट स्कोर किया था, तभी भी इनको बेस्ट रेडर का अवार्ड दिया गया। नंबर एक पे अर्जुन देशवाल थे एंड अर्जुन देशवाल को बेस्ट रेडर तो नहीं MVP का अवार्ड दिया गया एंड जो टॉप दो रेडर्स थे उनको अवार्ड मिल चुका है। एंड यहाँ पे ये कंफ्यूजन होता है कि बेस्ट रेडर प्रो कबड्डी के जो मैनेजमेंट है वो किस बेसिस पे डिसाइड करती है वो अभी तक मुझे तो पता नहीं चल पाया। आपको क्या पता चला आप कमेंट करके जरूर बताएगा। कुछ ऐसे भी कमेंट्स कर सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रेट्स अटेम्प्ट करते हैं यानी कि जिनको सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रेट्स मिलते हैं उनको मिलता है, तो मैंने चेक किया कुछ बार ऐसा हो रहा है कि जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रेट्स करते हैं उनको भी यहाँ पे बेस्ट रेडर का अवार्ड नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे मैंने आपको प्रो कबड्डी के हर एक सीजन का बेस्ट रेडर एंड इसी के साथ एक MVP का भी हो गया कि हर सीजन का MVP भी मैंने आपको बता दिया है। एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन से सीजन में किस रेडर के साथ अनफेयर हुआ है, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएगा। एंड आने वाले दिनों में आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए भी आप कमेंट करके जरूर बताएगा। एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगेगी, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।